Experience the excitement live. Catch every thrilling moment of PSL 9 exclusively on A-Sports. अच्छा अब आप तीनों मुझे अलग अलग परसेप्शन मतलब अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामे की वन लाइन बताओ. सानिया क्या है ड्रामे की वन लाइन, मतलब अगर खाली पूरी स्टोरी रिवील नहीं करो, एक सेंट्रल आइडिया क्या है, लोगों को क्या थोड़ा सा आइडिया दो टीजर के थ्रू, क्या पता चल रहा है टीजर के थ्रू. मैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि टीजर के थ्रू आपको क्या पता चला है, लेकिन जो स्टोरी है क्योंकि मैं ये जानना चाहूंगी एज ए व्यूअर, अगर आपने देखा है तो आपको वो एलिमेंट्स दिखे. मैं अभी दोबारा और से उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगी कि मुझे तुम्हें जवाब देना है. अभी तो बस मैंने देखा और जब आप पहली दफा प्रोमो देखते हैं ना तो आप देखो कैसा शूट हुआ है, कैसे लग रहे हैं, वो सारी चीजें बार बार देखने के बाद फिर आपको आइडिया होता है कि ओ ये ड्रामे में ये स्टोरी टेलिंग होगी. आपको पता है ये जब स्क्रिप्ट मुझे ऑफर हुआ था उस वक्त मैं दो तीन और स्क्रिप्ट पढ़ रही थी, और क्योंकि मैंने पास्ट में ज्यादा पॉजिटिव एंड आप हर ड्रामे में रोते हैं, तो मुझे था कि नहीं इस बार मुझे कुछ डिफरेंट करना है. तो मुझे एक नेगेटिव कैरेक्टर ऑफर हुआ था और मैं वो पढ़ रही थी. फिर मैंने जब इसकी ये ड्रामे की तीन एपिसोड्स पढ़ी तो उसके बाद मैं कुछ और पढ़ नहीं सकी थी, मुझे इतना अच्छा लगा था. और साथ का जो कैरेक्टर है, जो अदील का कैरेक्टर, यू विल लव दोस. तुम्हारा इसमें पॉजिटिव कैरेक्टर है कि नेगेटिव? पॉजिटिव कैरेक्टर है, एक समझदार लड़की है जिसको जिसके लिए फैमिली वैल्यूज, दोस्ती, प्यार सब बहुत मायने रखता है. लेकिन उसकी लाइफ, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो कुछ लोग वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें आपको बदलना चाहते हैं. तो वो ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएंगे कि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन जो आपका दोस्त है एक, वो आपके लिए कैसे स्टैंड लेगा उन सिचुएशंस में जब आप बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे होते हैं. और इसमें मेरा एक और फेवरेट कैरेक्टर वो मेरे अब्बा का. अच्छा. नॉर्मली आप देखेंगे कि अब्बा इतने सपोर्टिव नहीं होते हैं बेटियों को लेके, लेकिन इसमें अब्बा बहुत सपोर्टिव हैं. लेकिन फिर भी माशरे की वजह से या कुछ ऐसे लोगों की वजह से अब्बा भी गिव अप कर देते हैं. तो स्टोरी फैमिली वैल्यूज पर है, दोस्ती पर है, लव पर है, फिर उसमें प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, वो उन प्रॉब्लम से कैसे निकलती है, उस सब के बारे में है.